इम्पैक्ट हो सकता है, लेकिन हुआ उलट। हाँ, इनके इनको तो काफ़ी इनकी मांग बाद में रही और कैंडिडेट सब जगह से मांग कर रहे थे, तो खासतौर से यूपी, बिहार, झारखंड तीनों जगह इनकी मांग बहुत ज़्यादा रही, बहुत घूमे भी हैं। मेरे ख्याल अगर गिनती गिनी जाए तो यादव ये वोट आया भी, चौथे पांचवें नंबर पे ये होंगे। नहीं, लेकिन यादव वोट आया भी तो किसको गया फिर? उत्तर प्रदेश में तो नहीं आया सर। उत्तर प्रदेश, बिहार में, झारखंड में भी नहीं दिखाई दे रहा है कहीं। बिहार में पहला सम्मान बिहार में यादवों के सम्मेलन में किया गया था, हाँ, जिस समय मंत्री बनने के बाद, तो जितना असर हुआ होगा अभी तो हम उसका डिटेल नहीं निकाल सकते, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जो उन्होंने एक आगे के लिए एक यादव उम्मीदवार अपना खड़ा कर दिया, जैसे कांग्रेस में सुभाष यादव एक समय में होते थे लेकिन बाद में उनको मुख्यमंत्री कभी नहीं बनाया मध्य प्रदेश में, नाम बता रहा हूँ आपको, उनका बेटा अरुण यादव, उनको भी कभी उस तरह से पेश नहीं किया। तो ऐसा ही है कि ये लॉन्ग टर्म में जो सोचा जाता है, कुछ उसके फायदे कुछ नुकसान दोनों होते हैं। मैं एक चीज़ कह रहा हूँ कि अगर उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कि हम लोग उत्तर प्रदेश में एक सामान्य ट्रेंड देखते थे कि जो विधानसभा के चुनाव होते थे उसमें यादव वोट पूरी तरह से समाजवादी पार्टी के साथ होते थे, और जब लोकसभा के चुनाव हुए 2014-19 दोनों में हम लोगों ने देखा कि वहाँ पे यादव वोट कम से कम 25-35% तक वो बीजेपी के खेमे में आता हुआ दिख रहा था, लेकिन इस बार जो ग्राउंड पर हम लोग थे, चूँकि वो तो आंकड़े बाद में पता चलेंगे, यादव और मुस्लिम वोटों में कहीं पर भी बिखराव की कोई स्थिति नजर नहीं आ रही थी। ये 14-19 से बिल्कुल एक अलग ट्रेंड था उत्तर प्रदेश में, वो बिल्कुल एकदम इंटैक्ट था आपस में। तो ये एक बड़ा, इसका मतलब मैं जरूर कह सकता हूँ कि उत्तर प्रदेश में इनके यात्राओं का कोई फर्क नहीं हुआ, जबकि अखिल भारतीय यादव महासभा की कई बैठकें कराई गई, उसमें ये मुख्य अतिथि होते थे मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी। तो उत्तर प्रदेश में ये प्रयोग जरूर असफल रहा, बिहार में चूंकि संख्या कम है और उस तरह से वहां पे जो है कि आरजेडी और कांग्रेस को सफलता प्राप्त नहीं हुई। हरिशंकर जी हमारे साथ हैं कांग्रेस से, क्योंकि कांग्रेस ने अच्छा परफॉर्म किया है, क्योंकि 95 पर कांग्रेस नजर आ रही है उत्तर प्रदेश में भी, उम्मीद से ज्यादा, क्या मानेंगे सर इसको लेकर? देखिए, बात ये है कांग्रेस की परफॉर्मेंस अच्छी है और सरकार बनाने के नजदीक है, लेकिन बातचीत आज भी उन्हीं लोगों से हो रही है जो बीजेपी की सरकार में उनकी हाँ हाँ करते रहे और हम लोगों को किनारे बिठा के रखा हुआ है। आपने पूछा 15-20 मिनट से लगातार उन्हीं लोगों से बातचीत हो रही है जो आज भी बीजेपी का गुणगान ही कर रहे हैं, किसी न किसी रूप में उन्हीं को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा मतलब कहने का यह है कि बीजेपी की सरकार बेशक बने लेकिन भारत भय मुक्त होगा, शासन प्रशासन जुडिशरी भय मुक्त होगी। देश में जो इन्होंने एक भय का माहौल पैदा किया था, लोगों के मन में डर बैठाया था, लोगों पर अत्याचार किया था, उस पर अंकुश लगेगा। आज स्थिति यह है, जो कांग्रेस ने कहा था वही हुआ है और शाम तक अभी बहुत दूर है, नतीजे पलटेंगे, कांग्रेस की सरकार बनेगी, मैं ये आपको दावे से कह सकता हूँ। और अभी अभी मुख्यमंत्री को आपने सुना है वहां, तो उन्होंने भी कह दिया साथ की, जैसे मोदी जी ने 15 लाख की बात की थी कि वो झूला था, शंकर जी आप उन्होंने भी कह दिया कि ये ठीक है, आप राज जीता। मुझे हरिशंकर जी विद ड्यू रिस्पेक्ट, 543 पे 94 सीट से कैसे सरकार बनाएंगे शाम तक? तो बीजेपी 233 से कैसे बनाएगी सर? उनका तो गठबंधन है ना, गठबंधन हमारा नहीं है। तो गठबंधन कहा सर, उसमें ममता तो पहुंची नहीं है। हाँ। तो हमारा भी तो 233 पहुंचा है सर, ममता तो पहुंची नहीं है ना उसमें, ममता माइनस कीजिए जिसका सबसे बड़ा नंबर है। ममता गठबंधन का पार्ट है, माइनस क्यों कर दे ममता को? ठीक है, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर कुछ बोल रहे हैं। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की जनता ने फिर एक बार विश्वास व्यक्त किया है, मैं आभारी हूँ हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की जनता का, जिन्होंने पांचवी बार रिकॉर्ड मतों से फिर विजयी कराया है। मेरे अगले 5 वर्ष भी समर्पित होंगे हिमाचल हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के लिए, गरीब कल्याण के लिए, यहाँ के विकास के लिए। और मैं कहना चाहता हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, माननीय गृह मंत्री जी का, रक्षा मंत्री जी का, माननीय नितिन जी का, सबका बहुत बहुत आभार धन्यवाद, जो पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने अपना आशीर्वाद मुझ पर दिया है और आगे भी देंगे, इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभार प्रकट कर रहा हूं। मुझे लगता है बीजेपी फिर एक बार 300 पार करके अपनी सरकार बनाएगी, एनडीए 300 पार करेगा और फिर एक बार
मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार बनेगी। तो अनुराग ठाकुर को आपने सुना जो ये कहते हुए दिखाई दिए कि 300 पार के साथ भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से सरकार बनाएगी। भार्गव सर कुछ टिप्पणी करेंगे आप उस पर, 400 पार से 300 पार पर आगे आंकड़े सामने वो देख नहीं पा रहे हैं शायद, या विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। बीजेपी अपने आप में ही 272 से काफ़ी नीचे दिखाई दे रही है अभी, और उसके साथ वो एनडीए बार बार सभी नेता एनडीए की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो है वो शाम को पीएम आएंगे बीजेपी मुख्यालय। हाँ सरकार बना भी लेते हैं, बनाएंगे तो सही दिख रहा है इससे, लेकिन ये उतनी मजबूती वाली नहीं है। और नमाज तो रहा, दबदबा रहा, लेते हैं और ये सब बहुत कुछ होता है, पता नहीं आज क्या होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि ये रिजल्ट उनके आभा मंडल को चोट पहुंचाने वाला है। जो उनका आभा मंडल था, जो ब्रांड था, उसको इस रिजल्ट से धक्का लगा है। मजबूत सरकार है सर, ये बताइए सर, यदि बीजेपी यदि यहाँ पे गठबंधन जो है कहीं ना कहीं मंत्री पद यदि सरकार बना भी लेती है ये भी तो कहा जाता है, वहाँ मंत्री का दिमाग भी बढ़ जाएगा।